हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एन ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस का स्ट्रक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप ईमेल को पूरा समझना चाहते हैं तो मैंने बेसिक से जो ईमेल वाली वीडियो बनाए हैं वो सारे आप देखिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये ईमेल के माध्यम से। ईमेल हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम ईमेल भेजना और ईमेल को अगर हम समझ गए तो ईमेल को कैसे भेजना है, क्या क्या ईमेल में हम क्या क्या हेडिंग नोट्स होती हैं, जैसे फ्रॉम टू डेट, ये सब क्या होता है, इसी ये समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। हाँ, इसे पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप ओ लेवल में इंटरनेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये इंटरनेट सब्जेक्ट की ही सीरीज चल रही है। इंटरनेट में अक्सर ये क्वेश्चन बनता है स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल एड्रेस, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है। हमारा जो ईमेल चैप्टर है ना उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है रिसीव रिप्लाई टू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे समझिए कि इसे, ठीक है, इसे पढ़ लीजिए आप, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। और अगर आप आईटी टूल्स और इंटरनेट की बेसिक वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एन ईमेल एड्रेस। तो हर एक मेल का इंटरनेट पैकेट मुख्यतः तीन भागों से मिलकर बना होता है। कितने भागों से? तीन भागों से मिलकर बना होता है। सबसे ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? हेडर कहते हैं। इस हेडर के अंदर मैसेज के प्रकार की सूचना कि किस प्रकार का है ये होती है। ठीक है, कि मैसेज किस प्रकार का है, इस हेडर में क्या होगी, ये सूचना होगी कि मैसेज किस प्रकार का, जैसे इमेज, आइडियो, वीडियो आदि, और मेल भेजने वाले के बारे में सूचना तथा उस मेल को रिसीव करने वाले के बारे में सूचना दी हुई होती है, और जिस जिस सर्वर से होकर मेल आया होता है ये सारी सूचना हेडर में स्थित होती है। कोई ईमेल से मिलकर तीन से मिलकर बना होता है, जैसे फ्रॉम भेजने वाले की ईमेल आईडी हो गई, टू जिसे ईमेल भेजा जा रहा है, डेट जिस डेट को ईमेल भेजा गया है, फ्रॉम भेजने वाले की ईमेल आईडी, टू जिसे ईमेल भेजा जा रहा है, और डेट जिसे जिस डेट को ईमेल भेजा गया है। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इट मे द फॉलोइंग ऑप्शन फील्ड्स, ये ऑप्शनल फील्ड होती हैं। कुछ ऑप्शनल इस प्रकार भी हैं, जैसे रिसीव, इसमें सर्वर की विभिन्न जानकारी जैसे कि मेल को कब प्रोसेस किया गया है, रिप्लाई टू जिस एड्रेस पर रिप्लाई देना है वो, सब्जेक्ट मैसेज का विषय, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैसेज आईडी, इसमें मैसेज की पूरी जानकारी होती है, सिग्नेचर, ऐसी विशेष कमेंट यदि यूज़र देना चाहे, अटैचमेंट, ऐसी कोई भी फाइल यदि मैसेज के साथ भेजना है। तो ये हमारा था स्ट्रक्चर पूरा, किसका, ईमेल का स्ट्रक्चर था। इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट है, फिर बोल रहा हूँ इम्पॉर्टेंट है, ये आपको समझना ज़रूरी है। अगर ये क्वेश्चन नहीं भी पूछा जाता है तो शॉर्ट क्वेश्चन भी इसके बन जाते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में फॉर्म भेजने वाले की ईमेल आईडी होती है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाते हैं इसमें से। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियोस देखो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।